Hello friends, good morning. How are you? I hope all students are fine. We will learn today computer standard 6 unit 1st. Unit 1st ka naam kya hai? Introduction of computer. Okay student, hum part 5 mein kya padhne wale hai? Part 5 mein padhne wale hai third generation of computer, fourth generation of computer aur fifth generation of computer. To humne part 4 mein kya seekh padha? तो हम पार्ट 4 में पढ़े फर्स्ट जनरेशन ऑफ कंप्यूटर एंड सेकंड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. टुडे हम क्या पढ़ने वाले हैं? वी विल टुडे थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट, फर्स्ट ऑफ ऑल ये बुक निकाले, कंप्यूटर की बुक सब लोग स्टूडेंट निकाल ली. वेरी गुड. अब पेज नंबर 8 निकाले, पेज नंबर 8 निकाले, निकाल लिया. वेरी गुड. उसके अंदर है थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. 8 पॉइंट पर क्या है? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. तो थर्ड जनरेशन में कौन सी इलेक्ट्रॉनिक चिप यूज हुई थी, वो उसके इन्वेंटेड कौन थे? ओके, वो हम पढ़ने वाले हैं. तो जब मैं आपको बोल के अंडरलाइन करनी है, तब उसके नीचे क्या करना है? अंडरलाइन आप सब स्टूडेंट ने करनी है, ठीक है? तो फर्स्ट ऑफ ऑल थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर क्या पढ़ने वाले हैं? थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर वह 1960 में इन्वेंट हुई. कब हुई? 1960 में. फर्स्ट टॉपिक इन 1958 जैक किल्बी इन्वेंटेड द चिप. ओके स्टूडेंट, जैक किल्बी ने क्या इन्वेंट किया? एक चिप की इन्वेंट की, उसके मतलब एक चिप की शोध की. कब की? तो 1958 में. कब की उसकी शोध? 1958 में. किसने की चिप की शोध? किसने की? तो जैक किल्बी. उसका आंसर क्या आएगा? जैक किल्बी. सबने अंडरलाइन करनी है फर्स्ट पॉइंट के नीचे. इन 1958 जैक किल्बी इन्वेंटेड चिप. ओके स्टूडेंट, देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक द फिक्स्ड मेनी ट्रांजिस्टर इन द अदर इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स ऑन द सिंगल चिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट. क्या कहते हैं उसको? इंटीग्रेटेड सर्किट. जिसके अंदर क्या है? सिंगल चिप में क्या होते हैं? सिंगल चिप के वो कनेक्ट होती है. क्या होती है? कनेक्ट होती है. उसको क्या बोलते हैं? इंटीग्रेटेड सर्किट. अंडरलाइन करनी है ट्रांजिस्टर, मेनी ट्रांजिस्टर, बहुत सारे ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आर सिंगल चिप कॉल्ड इंटीग्रेटेड सर्किट. उसके क्या करनी है? अंडरलाइन करनी है. उसको आईसी भी बोलते हैं. थर्ड जनरेशन में किस को कौन से यूज होते हैं? थर्ड जनरेशन में इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज होता है. क्या होता है थर्ड जनरेशन में? किसके यूज होता है? इंटीग्रेटेड सर्किट मीन्स के आईसी का यूज होता है. देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक टुडे थाउजेंड ऑफ ट्रांजिस्टर एंड अदर इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर फिक्स्ड द स्मॉल चिप. क्या कहते हैं? आज टुडे मीन्स आज होता है. थाउजेंड ऑफ कंप्यूटर इतने सारे, थाउजेंड मीन्स के थाउजेंड क्या होते हैं? हजार. हजारों संख्या में क्या होता है? ट्रांजिस्टर होता है. इलेक्ट्रॉनिक्स कंप्यूटर आर फिक्स ऑन द चिप. स्मॉल चिप में क्या क्या कनेक्ट होते हैं? ये बहुत सारे इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट चिप, बहुत सारे कंपोनेंट और ट्रांजिस्टर उसके अंदर होता है, फिक्स होता है. देन आफ्टर नेक्स्ट द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स, द थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर्स वेर मच चीपर. कैसे चीपर है? कैसे? कॉस्टली नहीं है, वो महंगा नहीं है. ओके, वो महंगा नहीं है. क्या है? वो सस्ता है. क्या हुआ है? वो महंगा नहीं, वो हम खरीद सकते हैं. क्या? हम वो कंप्यूटर को हम खरीद सकते हैं, वो कॉस्टली नहीं है. स्मॉलर साइज, उसकी साइज कितनी है? स्मॉलर मीन्स के छोटी है. उतनी फर्स्ट जनरेशन की कंप्यूटर की कितनी बड़ी थी? लार्ज एकदम.
ओके, कमरे जैसे होती थी, जैसे ही थर्ड जनरेशन कितनी होती है, स्मॉल होती है. सॉरी स्टूडेंट, द देयर प्रोसेसिंग स्पीड वॉज क्विक हाइट. उसकी स्पीड कैसी है, बहुत फास्ट है. जैसे ही आप उसको इन्फॉर्मेशन दो, वैसे ही वो आउटपुट जितनी क्विकली वो निकाल सकता है. तो फिर थर्ड जनरेशन में क्या पढ़ा हमने स्टूडेंट, तो थर्ड जनरेशन में पढ़ा चिपके इन्वेंटेड कौन थे. ओके, फोर देन आफ्टर नेक्स्ट इलेक्ट्रॉनिक इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होता है. थर्ड जनरेशन में क्या होता है, इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज़ होता है. उसके अंदर थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट फिक्स होते हैं. ओके, क्या होते हैं, थाउजेंड ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट और चिप क्या होते हैं, अंदर फिक्स होते हैं. देन आफ्टर हम पढ़ने वाले हैं फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. ओके स्टूडेंट, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर 1971 इन प्रेजेंट कहा, तब तक वो कहा थी, वो प्रेजेंट थी, वहाँ पर वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का यूज होता था. द प्रेजेंट डे कंप्यूटर आर द फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. वहाँ उस समय पर, ओके स्टूडेंट, उस समय पर क्या वो फोर्थ जनरेशन का कंप्यूटर का यूज करते थे. द रिजल्ट ऑफ द VLSI फोर्थ जनरेशन का रिजल्ट कौन डिक्लेयर होता है, कैसे डिक्लेयर होता है, तो VLSI थ्रू डिक्लेयर होता है. VLSI का फुल फॉर्म अब सबने क्या कर रहे हैं, वो सबने उसको पढ़ना है, रीड करना है. ओके, उसको याद रखना है, भूल मत जाना, उसको क्या करना है, याद रखना है. वो मैं एग्जाम में आपको पूछूंगी VLSI का फुल फॉर्म क्या है, पूरा नाम क्या है, तो आप सबको आना चाहिए. वेरी वेरी लार्ज, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. क्या है, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. VLSI का फुल फॉर्म क्या है स्टूडेंट, वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. टेक्नोलॉजी अ मिलियन इलेक्ट्रॉनिक कंपोनेंट्स कैन बी फिक्स्ड ऑन द सिंगल टिनी माइक्रो प्रोसेसिंग चिप. टिनी मीन्स छोटी, माइक्रो प्रोसेसिंग चिप. फोर्थ जनरेशन में किसकी यूज होता है, माइक्रो प्रोसेसिंग चिप का यूज होता है. देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक, द माइक्रो प्रोसेसिंग चिप वॉज इन्वेंटेड 1969. कब इन्वेंट हुई थी माइक्रो प्रोसेसिंग चिप, कब इन्वेंट हुई थी 1969. किसने इन्वेंट की थी, टेड ऑफ. किसने वो, टेड ऑफ को इन्वेंट की थी. कब की थी, 1969. माइक्रो प्रोसेसिंग चिप की इन्वेंटेड कौन थे, टेड ऑफ. उसके कब उस चिप की शोध की, इन्वेंटेड कब हुआ वो, 1969. उसके अंडरलाइन करनी है, उसके नीचे क्या करनी है, हम सबने अंडरलाइन करनी है. देन आफ्टर नेक्स्ट टॉपिक, टुडे पर्सनल कंप्यूटर आर मैन्युफैक्चर्ड यूजिंग माइक्रो प्रोसेसिंग चिप. वो सुगे क्या कहते हैं, वो माइक्रो प्रोसेसिंग चिप का यूज क्या होता है, कि वो पर्सनल कंप्यूटर, हमारे घर वो पर्सनल कंप्यूटर होता है, पीसी, नाम सुना होगा. ओके, वो पीसी में क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसिंग चिप का यूज होता है. क्या होता है, माइक्रो प्रोसेसिंग चिप का यूज होता है. वो उसके इन्वेंटेड कौन थे, टोडेफ. माइक्रो प्रोसेसिंग चिप के इन्वेंटेड कौन थे, टोडे. उससे कब इन्वेंट हुई, 1969. कब इन्वेंट हुई, 1969. सॉरी स्टूडेंट, VLSI का फुल फॉर्म वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन. फोर्थ जनरेशन में हमने ये पढ़ा, और थर्ड जनरेशन में क्या पढ़ा, तो थर्ड जनरेशन में उसके इन्वेंटेड कौन थे. ओके, उसके इन्वेंटेड कौन थे, जैक किल्बी, थर्ड जनरेशन. ओके, चिप के इन्वेंटेड कौन थे, जैक किल्बी. उसके कब इन्वेंट हुई, 1958 में. देन आफ्टर इंटीग्रेटेड सर्किट का यूज हुआ. ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या पढ़ा, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर और फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. अब हम पढ़ने वाले हैं फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर. क्या पढ़ने वाले हैं आप, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर.
तो सब लोग बुक में पेज नंबर 9 पर देखें, फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। टुडे ऑफर टू द मैक कंप्यूटर दैट द बेस्ड ऑन एक्नॉलेजमेंट एक्नॉलेज बेस्ड प्रोड्यूस द इलेक्ट्रिकल, क्या बोलते हैं उसको, इलेक्ट्रिकल इंटीग्रेशन विच द हेल्प कंप्यूटर इज द राइट स्पीक एंड मॉडिफाई इट्स चेंज। मॉडिफाई मीन्स क्या होता है, उसके जब हमने राइट किया और फिर मिस्टेक हुई, सॉरी स्टूडेंट, फिर क्या हुई, मिस्टेक हुई, उसको क्या कहते हैं, हम चेंज कर सकते हैं। जो जब हमने लिखा उसने हमें मिस्टेक की, तब क्या करते हैं, उसको चेंज कर सकते हैं, मॉडिफाई कर सकते हैं। देन प्रोग्राम अकॉर्डिंग टू द रिक्वायरमेंट, जैसे रिक्वायरमेंट होगी वैसे वो प्रोग्राम में चेंजेस आएगा। जैसे क्वेरी आती है, ओके, उसको क्या हम सोल्व करते हैं, उस क्या हम सोल्व करते हैं उसको क्वेरी को, वैसे ही तरह वो रिक्वायर्ड मिलेगा, इसी तरह वो प्रोग्राम में मॉडिफाई मीन्स के चेंजेस होना चाहिए। दैट विल रिक्वायर्ड मिलियंस ऑफ ट्रांजिस्टर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट आर फिक्स इन चिप, सॉरी स्टूडेंट, चिप के अंदर क्या है, मैनी कंपोनेंट्स ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स मैनी कंपोनेंट्स होते हैं, और क्या होता है, मिलियन ट्रांजिस्टर होते हैं, ट्रांजिस्टर होता है और इलेक्ट्रॉनिक्स कंपोनेंट उसके अंदर फिक्स होता है। दे विल यूज LSLI, क्या नाम है उसका, यहाँ पर मैं लिखती हूँ SLSI। SLSI means क्या होता है, सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड, सुपर लार्ज सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड ग्रेटेड उसका फुल फॉर्म क्या है SLSI का, तो स्टूडेंट सुपर लार्ज स्केल इंटीग्रेटेड। ओके स्टूडेंट, तो हमने क्या पढ़ा, पार्ट फाइव में हमें क्या पढ़ा, थर्ड जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, फोर्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर, देन आफ्टर फिफ्थ जनरेशन ऑफ कंप्यूटर। अब हम नेक्स्ट पार्ट नंबर 6 में क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, उसकी कितनी टाइप है, उसकी टाइप है फोर टाइप है। पार्ट 6 में हम क्या पढ़ने वाले हैं, टाइप्स ऑफ कंप्यूटर, सुपर कंप्यूटर, ओके, मेन फ्रेम कंप्यूटर, मिनी कंप्यूटर, देन आफ्टर माइक्रो कंप्यूटर, हम पार्ट 6 में पढ़ने वाले हैं। थैंक यू सो मच स्टूडेंट्स।